नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आरएस पुरी। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ दिन पहले यह फैसला दिया गया कि 2 वर्षीय डीएलएड और 18 महीने का एनआईएस से कराया गया डीएलएड का कोर्स जो है वो समान नहीं है, और समान नहीं है तो इस आधार पर प्राइमरी विद्यालयों में या वर्ग 6 से 8 के विद्यालयों में जो एनआईओएस से डीएलएड किए हुए हैं या फिर जो 2 वर्ष से कम का डीएलएड कोर्स किए हैं वो योग्य नहीं है। आपको बता दें कि बिहार में बड़ी संख्या में शिक्षकों की बहाली चल रही है, और ऐसे में बीपीएससी के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये नोटिफिकेशन आपके डीएलएड सर्टिफिकेट से संबंधित है, उसके बारे में आपको जानकारी दिया गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ कहना है कि डीएलएड कोर्स 2 साल का ही मान्य है, एनआईओएस से अगर आपने 18 महीनों का डीएलएड किया है तो वो शिक्षक बनने के योग्य नहीं है। आपको बता दें कि आयोग के द्वारा इसी के रेफरेंस में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे है। इसमें कहा गया है कि विज्ञापन संख्या 27/2023 विद्यालय अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा के वर्ग 1 से 5 और 6 से 8 के अध्यापक पद के नियुक्ति के लिए जिन अभ्यर्थियों द्वारा डीएलएड के प्रशैक्षणिक योग्यता के आधार पर आवेदन किया गया है, वैसे अभ्यर्थियों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए डीएलएड से संबंधित विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराना है। इसके लिए अभ्यर्थी दिनांक 16 दिसंबर यानी कि आज से 18 दिसंबर तक आयोग की वेबसाइट पर जाकर यूजर और पासवर्ड में लॉगिन करने के उपरांत डैशबोर्ड पर उपलब्ध इंटर डीएलएड डिटेल्स बटन पर क्लिक करते हुए अपने डीएलएड की विवरणी देना सुनिश्चित करेंगे। कृपया इसे उच्च प्राथमिकता दें, क्योंकि निर्धारित तिथि पर अपेक्षित विवरणी पोर्टल पर नहीं देने की स्थिति में यह कृत्य सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना मानते हुए उनका अभ्यर्थित्व रद्द किया जा सकता है। परफेक्शन आईएएस सिविल सेवा बीपीएससी यूपीएससी परीक्षा के लिए एकमात्र समर्पित और रिजल्ट ओरिएंटेड संस्थान, बेहतर सफलता के लिए केंद्रित परफेक्शन आईएएस फाउंडेशन कोर्स हिंदी और इंग्लिश माध्यम में विश्वसनीय गाइडेंस के साथ सुनिश्चित की जाती है। 64वीं, 65वीं, 66वीं बीपीएससी परीक्षाओं में सबसे ज्यादा 107, 69, 131 क्रमशः रिजल्ट देने वाली संस्थान परफेक्शन आईएएस, कुमार टावर, बोरिंग रोड, पटना। तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जिसमें ये कहा गया है साफ साफ कि 2 साल का डीएलएड कोर्स ही वर्ग 1 से लेकर 8 तक के शिक्षक बनने के लिए योग्य है। ऐसे में आयोग ने जब फॉर्म फिलअप कराया था तो उसमें बहुत सारे लोग जो है डीएलएड से भी अपना आवेदन दिए हुए हैं, तो ऐसे में आयोग ये सुनिश्चित कर लेना चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसी के अनुरूप बहाली हो और उसी के अनुरूप योग्यताधारी डीएलएड कैंडिडेट का ही चयन द्वितीय चरण के शिक्षक बहाली में हो। तो जितने भी कैंडिडेट हैं जो डीएलएड से अपना फॉर्म डाले हुए हैं, आपका 2 वर्षीय है या 18 महीने का है, इसके बारे में आप अपनी सूचना जो है वो आयोग के वेबसाइट पर जो बताया गया है तरीका उसके हिसाब से जाके अप्लाई करें। अगर आप नहीं करते हैं और डीएलएड योग्यताधारी हैं, डिग्रीधारी हैं, तो आपका जो कैंडिडेचर है उसे रद्द कर दिया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसले का अवमानना होगा। यहाँ पर आयोग के सामने एकदम साफ है सुप्रीम कोर्ट का फैसला कि जो डीएलएड को देके लेकर जो उनका जो निर्णय दिया गया है उसी के अनुरूप बहाली करना है। तो जल्द से जल्द अभी ये काम कर ले अपना, 18 तक समय दिया गया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।